हाय, आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुरु नानक प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है। आज फिर अगेन जन्नत 34 सेक्टर का शूट है दोबारा से। एक्चुअली मैं आपको फिर रिमाइंड करा दूं, 34 सेक्टर जो पूरा कंप्लीट 34 रोहिणी की मार्केट है, मेरा एम आपको अपडेट करना है। पूरी जिंदगी में कहीं भी रेट डबल ट्रिपल नहीं कर सकता। किसी भी प्रोजेक्ट में अगर मैं ले लूं, हर प्रोजेक्ट का एक टाइम होगा रेट डबल ट्रिपल करने का, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे रोहिणी में एक टाइम था जब मैंने 2 से 3 गुना कर दिया, नाउ द मार्केट इज स्टेबल, ठीक है। और स्टेबिलिटी पे आने के बाद इन्वेस्टर्स का अगर मन है कि अगर उसको कमाना है तो वो अपने प्लॉट्स को शफल करते रहे। एक जगह स्टिक होने से कभी पैसा नहीं बढ़ता। अपने जैसे बकेट्स में चेंज द बकेट्स रेगुलरली, अगर आपको पैसा बढ़ाना है। और अगर आपने एंड यूजर हैं और आपने सोचा हुआ है कि मुझे 34 सेक्टर में 8 साल बाद रहना है, तो फिर कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे भवाना के लोग हैं, उनके लिए उनको चाहे फ्री में भी कोई प्लॉट गुड़गांव में दे दे, वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि उनको यहाँ रहना है, क्योंकि भवाना में उनकी फैक्ट्री है, यहाँ पे उनको रहना है। उनके लिए तो एक प्योर गोल्ड है। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जिनको इन्वेस्टमेंट करनी है वो तो अपने बकेट्स चेंज करता रहे। कभी उनको लगे कि 34 की मार्केट डाउन है, ठीक है, तो निकाल के कहीं और लगा दूं, उसके लिए मैं सलाह दे सकता हूँ। मैं गोवा भी कर रहा हूँ, दुबई भी स्टार्ट कर दिया हमने बड़े स्केल पे। मुझसे कहीं भी नॉलेज ले लो, कहाँ रेंटल इनकम ज्यादा आती है, एक एक पॉइंट के बारे में बता सकता हूँ। सो आप मुझसे पर्सनली आके मिल सकते हैं अगर आपको अपनी बकेट्स चेंज करनी है, मतलब इन्वेस्टमेंट चेंज करनी है। अदरवाइज ऐसे नहीं कि प्लॉट लेना कभी बंद मत करो 34 सेक्टर में। एंड यूजर के लिए तो बिल्कुल फिक्स है कि यहीं पे प्लॉट लेना है। अगर वो रोहिणी में रहते हैं तो वो कहीं दूर जाने का उसको यूज नहीं है। वो उसको एंड यूजर है, उसको कोई मतलब नहीं है रेट के फ्लक्चुएशन से। तो यहाँ पे आप प्लॉट ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए अभी मैं राय है वर्ड यूज नहीं करूंगा। झूठ बोल के मैं कभी बिजनेस नहीं करता। इन्वेस्टमेंट करनी है तो थोड़ा सा बकेट्स बदलनी पड़ेंगे आपको। बट आज का मेरा शूट ये बताना नहीं है कि पैसा बढ़ेगा कम होगा। मेरा मतलब है जो भी नए प्लॉट्स मेरे पास आएंगे वो आप तक पहुंचाना। शुरुआत यहीं से की थी, आज पूरा वर्ल्ड कर रहा हूं और वो कभी छोड़ूंगा नहीं, जहां से शुरुआत की थी 34 सेक्टर से। मैं आपको आज क्लियर कर रहा हूँ कुछ स्पेशल प्लॉट्स नंबर, जो कि मैं फेमस हूँ इस बात के लिए कि प्राइस अपडेट के लिए मैं बहुत जल्दी अपडेट नहीं कर पाता कि नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा है मेरे पास। पर स्टिल जब भी मुझे टाइम मिला मैं आपके लिए प्राइस अपडेट जरूर करता हूँ। मार्केट में कोई बहुत सस्ता प्लॉट भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं कह सकते कि मार्केट अभी बहुत बुरी तरह गिर गई है, ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा राइज हो चुकी है, क्योंकि 32 मीटर का प्लॉट आज 50 लाख या 49 लाख में मिल रहा है, ठीक है। और अगर हम 26 मीटर की बात करें तो कैश में 35.5 लाख का मिल रहा है, और अगर हम टाइम की बात करें तो 38 लाख तक भी अवेलेबल हो रहा है, जो कि पहले 40 तक चला गया था रेट। और हम 60 मीटर की बात करें तो नियर बाय 1 करोड़ के प्लॉट मिल रहा है। सो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी प्लॉट लें। जैसे आज जो मेरे सब्सक्राइबर नए देख रहे हैं उनके लिए मेरी यही सलाह है कि आज अगर आप प्लॉट लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या चेक करना है। सबसे पहले प्लॉट लेने से पहले आप अलॉटमेंट लेटर चेक करो, ठीक है, और उसके बाद साइट पोजीशन लेटर, पोजीशन लेटर, ये सब चीजें जरूर चेक किया करो। फिर लीज होल्ड के पेपर, और लीज होल्ड के बाद फ्री होल्ड के पेपर्स, नक्शा, बैंक स्टेटमेंट, सब चेक किया करो। और टोकन सिर्फ 50,000 दो, 5 लाख कोई टोकन माने कभी मत दो। 50,000 देके उससे पेपर लो, फोटोकॉपी अपने वकील से चेक कराओ, तब लास्ट वाले दिन पूरी पेमेंट करो। और कच्चा पक्का मतलब जो भी देना है आपने सारा देके उससे फाइल ले लो और अगले दिन रजिस्ट्री करा दो। मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि कोई 5 लाख बयाना मांगे तो कभी मत दो, कोई फंस ना जाए। सो आज मेरा एम इस वीडियो का ये भी है, आपको कुछ नंबरिंग बताना, ठीक है। और प्लॉट लेना कभी बंद मत करो, क्योंकि ये सेक्टर आने वाले 8 सालों बाद ये पैसा आपको डबल करेंगे। और उम्मीद है कि यूईआर जिस दिन ओपन होगा उस दिन कुछ टाइम के लिए मार्केट ग्रो करेगी, जो हमें पूरी उम्मीद है। और जिस दिन अगर वो मार्केट ग्रो की, जिनको क्विट होने है वो क्विट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की थी पहले, मैंने कईयों को करवा दिया, अब जो करना चाहते हैं उनके लिए शायद एक लकी चांस दोबारा आ जाए, और वो लकी चांस की उम्मीद हम दोबारा कर रहे हैं। होप सो कि नितिन गडकरी जब इनॉग्रेशन करेगा
तो वो प्राइस जंप आए। कुछ प्लॉट नंबर में आज आपको मैं थोड़ा बता दूं 34 सेक्टर कहाँ है, कैसे आने। ये 34-35 की डिवाइडिंग रोड है, ये यूईआर के साथ मिल जाती है जाके। ये 100 मीटर की रोड है और ये इसको मैजिकल रोड कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको मैजिकल रोड? क्योंकि करनाल से आने वाला ट्रैफिक, जितना भी जीटी करनाल से, अब वो दिल्ली आके क्या करेगा, वो सीधा यहाँ से जाएगा और यूईआर से कनेक्ट करके सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से चांसेस बढ़ेंगे और यहाँ इससे मारुति प्लांट भी आ रहा है, सोनीपत की वैल्यू भी बढ़ने जा रही है और रोहिणी की वैल्यू भी बढ़ेगी। उम्मीद है कि जंप आएगा, जैसे ही इसका इनॉग्रेशन होगा एक जंप आने की पूरी उम्मीद हो चुकी है, वही हम होप कर रहे हैं कि वो जंप आए जरूर। अच्छा, ये जो रोड है टोटल 34 सेक्टर में, दो A1 से लेके A4 तक चार पॉकेट्स हैं, A1, A2, A3, A4। A1, A2 को जन्नत इसलिए कहता हूँ क्योंकि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। फिर सी ब्लॉक में अगर हम देखें तो C1, C2, C3, C4, C5, C6, टोटल 6 पॉकेट्स हैं। C1 तो पूरी 60 मीटर की है, ये 32 मीटर, 32 मीटर एंड 26 मीटर। अगर हम C5 की बात करें तो मिक्स पॉकेट है। ये जो येलो कलर है ग्रीन, ये जो ग्रीन कलर है 60 मीटर, ये जो पिंक कलर है 32 मीटर और ये जो ब्लू कलर है 26 मीटर। इन दिस वे ये पॉकेट्स, अभी सारा जंगल है। उम्मीद है कि ये जंगल सबसे पहले C5 C6 में, क्योंकि इसकी एंट्री पूरी UER से, तो सबसे पहले जंगल हमें उम्मीद लग रही है यहीं खत्म होगा। तो यहाँ पे जो 32 मीटर के प्लॉट है उनकी रेट और प्लॉट नंबर के साथ लिस्ट इशू कर रहा हूँ, तो बेटे ध्यान से नोट करो। एक प्लॉट है 60 मीटर का, ये नोट करो, 32 का जोड़ा कॉर्नर का, बहुत ही बढ़िया, 1753-54-135 का 60 मीटर का एक प्लॉट, 34A2 का 185 नंबर, 1 करोड़ का, 34A1 का 1355। ये कैश की डील है, 32 मीटर का प्लॉट है, कैश में अगर है तो बेटे इसको कांस्टेंट बिल्कुल रखना, ठीक है, ताकि लोग लिख सके। 34A1 का 1560, 51 लाख का, 32 मीटर का अगेन 34A1 का 205 वाली लाइन, 51 लाख का, 34A1 का 2164, 51 लाख का, 34A4 का 222 वाली लाइन, 54 लाख का, 60 मीटर का 34 C3 का 445 वाली लाइन, 1 करोड़ 13 लाख का, 30 C2 का 321 नंबर, 40 लाख का, 30 C1 का 360 नंबर, 45 लाख का, 34A1 का 1953 49.50 लाख का, 34A1 का जोड़ा 1453-54 डेढ़ करोड़ का, 34A1 का 2108 51.50 का, 34C5 का बहुत बढ़िया प्लॉट 1333 नंबर 61 लाख का, और 34C4 का 894 26 मीटर का 46 लाख का। इन दिस वे मैंने जितने भी प्लॉट्स मेरे पास आज 32 और 60 के आ रहे थे सबकी इन्फॉर्मेशन दे दी। आप मैं आपको प्लीज यही बता रहा हूँ कि हमारे पास वैसे प्लॉट्स अभी बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे पास आज प्लॉट्स की, तो आप फोन करके अपना एक प्लॉट बुक करो और मेरी टीम के साथ आपका कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। जैसे मैं नंबर दूंगा आप मेरी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन कर लीजिए, उसके बाद अपना आके यहाँ पे डील लीजिए। इसको, इस जगह को छोड़िए मत, जंगल मत बनाइए, इसमें परचेजिंग और सेल परचेज करते रहो। पर इन्वेस्टर्स के लिए मेरी सलाह कि थोड़ा सा बकेट्स चेंज करो, जिसको ये सोचने कि अगले साल मुझे डबल करना है तो एक जगह पे रह के, सोनीपत में भी नहीं हमेशा डबल होगा, उसके लिए आप मुझसे सलाह लो। मैं बकेट्स चेंज करने के लिए फेमस हूँ पूरे वर्ल्ड में। सो ऊपर मेरा नंबर दिया हुआ है, आप अपनी बकेट्स चेंज करने का मतलब समझिए, आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करें आज की डेट में, कि गैप है, यहाँ पे गैप खत्म हो चुका है, कहाँ गैप है उसके लिए सलाह लो मुझसे। तो मेरा ऊपर नंबर फ्लैश है, कॉल करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।